झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेशानुसार झारखंड सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को बरही थाना अंतर्गत नई ताड़ में दिवंगत रुपेश कुमार पांडे के पीड़ित परिवार के घर पहुंची। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सहित उपस्थित पीड़ित परिवार से जानकारी हासिल करते हुए भरोसा दिया। वहीं बरही से लौटकर हजारीबाग परिसदन में रुके। यहां मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और निर्देश को फंसने नहीं दिया जाएगा। वहीं प्रतिनिधि मंडल में शामिल तीनों मंत्री ने अपने अपने फंड से 1-1 लाख रुपए यति शीघ्र देने का वादा किया। साथ ही वादा किया कि रुपेश कुमार के श्राद्ध कार्यक्रम के उपरांत मृतक परिवार के माता पिता एवं परिजनों को बरही से रांची ले जाकर मुख्यमंत्री से भेंट करवाया जाएगा। पीड़ित परिवार को बात सुनिए, उनको हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, न्याय कैसे दे सकते हैं। हम लोगों ने प्रतिनिधिमंडल के रूप में गए, उनके बातों को सुना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराएंगे और मृतक के जो परिजन हैं, पीड़ित परिजन हैं, उनको भी हम लोग सुना करते हैं। जी हो गया, फिर चालू हो गया तो जो बीत गई बात गई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।